गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सारे लोग। वेरी गुड इवनिंग यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, स्वागत है आप लोगों का अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। वेरी गुड इवनिंग रुचि जी, स्वागत है आप लोगों का अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। देखिए जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिएगा इस लिंक पे जा करके, ताकि जब भी मेरी प्रोफाइल मेरी कोई भी क्लास ऑनलाइन हो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे जब भी मेरी क्लास ऑनलाइन आए तो आपके पास मैसेज पहुँच जाए, नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप क्लास को ज्वाइन कर सकें। स्पेशल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो फ्री क्लासेज होती हैं। और अन अकेडमी में अगर कोई भी फ्री क्लासेज अगर आपको देखनी हो तो इस कोड को यूज़ कीजिए अनलॉक करने के लिए, ताकि वो फ्री क्लासेस आपका अनलॉक हो जाए और आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकें। उसके लिए आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगते, वो आपके फ्री क्लासेस होते हैं। गुड इवनिंग आशा जी। दो तरह के कोर्स होते हैं, एक आपका डेमो कोर्स होता है, फ्री कोर्स होता है, एक आपका प्लस का कोर्स होता है। जो फ्री कोर्स होते हैं, जो डेमो कोर्स होती है, उसमें आपके लिमिटेड सिलेबस कवर कराए जाते हैं। और जो आपका प्लस वाले कोर्स होते हैं, उसमें आपका जीरो टू हाई, जीरो टू एडवांस, आपके सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट एक एक करके क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। तो हर महीने 8 से 10 कोर्स लॉन्च होता है, दो दो महीने का, तीन तीन महीने का, 1 ईयर का भी कोर्स आपका लॉन्च होता है, जिसमें एजुकेटर आपको गाइड करते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर कराते हैं, है ना। आपके फेवरेट टीचर वो उसको कवर कराएंगे और हर तरह के बैचेस को आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चाहे वो आप प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, सब बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने डाउट्स को लाइव टीचर से पूछ सकते हैं। पोल्स क्विज यहाँ पे डेली होता है, आज भी हम लोग करेंगे। और एक सब्सक्रिप्शन पे अनलिमिटेड प्रीलिम्स का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर तरह तरह के बैच, जितने बैच आपको ज्वाइन करना हो, वो सारे बैच अनलिमिटेड वीडियोज़ और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्लस पे। प्लस में जुड़ने के लिए इस कोड का यूज़ करें विवेक लाइव 10 और जल्दी से एडमिशन ले लें। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आपका राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं जीरो से आपका सारा सिलेबस कवर कराऊंगा। अभी फिलहाल 3 प्लस में मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, देख सकते हैं। पॉलिटी एंड साइंस थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोर्स ऑन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर 66 प्रीलिम्स, और कोर्स ऑन बिहार जीके थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन। ये बिहार स्पेशल का ये कोर्स है, ये आपका आज से लॉन्च हो गया। इसकी टाइमिंग सुबह में 10:30 बजे है, ठीक है। इसको डेली आपका ये चलेगा, संडे छोड़ करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड इवनिंग अंबिका जी, स्नेहा जी, प्रियंका, जोरावर, स्वागत है आप लोग का। डेली रात 9 बजे आपकी मिक्स क्वेश्चन डिस्कशन होती है और डेली आपका 1 बजे आपकी साइंस और पॉलिटी की क्लास आपकी कवर होती है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस सबको, इस सारे कोर्स को आप देख सकते हैं। प्लस में अगर आपने इस कोर्स को इनरोल नहीं किया है, मेरे प्रोफाइल में जाइएगा, यहाँ पे प्लस साइन बना होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इनरोल हो जाएगा। इनरोल करते ही जब भी ये कोर्स लाइव आएगा, इस कोर्स के क्लास जब भी लाइव आएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। ये 3 कोर्सेस प्लस में चल रही है मेरी, और डेली आपकी स्पेशल क्लास मेरी इसी टाइम पे होती है, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग अनुराग जी, स्वागत है सभी लोग का। 14 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो एडमिशन लेने टाइम इस कोड का यूज़ करें, और किसी भी कोर्स को अनलॉक करने के लिए भी आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। जो नए हैं अन अकेडमी में, जो अन अकेडमी इंस्टॉल नहीं करा है, जिन्होंने यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, अन अकेडमी इंस्टॉल करने के बाद इस कोड का यूज़ कीजिएगा फ्री स्पेशल क्लासेस में। आप ये कोड जो है वो आपका हेल्प करेगा उस फ्री क्लासेस को प्ले करने में। आपको देख सकते हैं 1 ईयर का जो फ़ी है वो 8,800 है, 2 ईयर्स का जो फ़ी है 12,800 है। जैसे ही आप इस कोड को यहाँ पे लगाएंगे, इस कोड को आपको यहाँ पे लगाना है, कोड को लगाते ही क्या होगा, आपका 10% ऑफ हो जाएगा और ये आपका रिवाइज्ड प्राइस आ जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ये प्राइस और भी कम हो जाएगा अगर आप अपने क्वाइंस को रिडीम करते हैं, तो है ना। क्वाइंस आपके इकट्ठा हो रहे हैं, जो आपने स्पेशल क्लास देख रहे हैं उसको रिडीम कर लीजिएगा, ये प्राइस और कम हो जाएगी और ये प्राइस और भी कम हो जाएगी। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। 733 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका यहाँ देखने को मिलेगा, 733 रुपये पर मंथ आपका उसमें फ़ी बैठेगा, ठीक है।
और अगर वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके सामने है। ईएमआई पे आपका 733 रुपये ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कोड यहाँ लगा लीजिएगा, कोड यूज़ करने के लिए विवेक लाइफ 10 का यूज़ करें और आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सेशन के अंत में 15 मिनट के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको फिर से देखना हो तो वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए, उन लोग को भी इन्वाइट कीजिए और उन लोग के साथ भी सारे क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, है ना। हम लोग ऑलरेडी 7th पार्ट कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग 7th पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 8th पार्ट में कवर कर रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन का 8वां अध्याय है जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। प्लस में भी बहुत सारे मैं आपको डेली आपका रोज एमसीक्यू कवर करा रहा हूँ, तो प्लस में भी आप जोड़ सकते हैं एमसीक्यू कवर करने के लिए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारे हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग पूजा, विकास, प्रशांत, तो चलिए ज्वाइन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सभी लोग आंसर दीजिएगा पोल में, और जो मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बीपीएससी इज अ बॉडी क्रिएटेड बाई, बीपीएससी जो आपका निकाय है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, बी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अतिरिक्त संवैधानिक प्रावधान, सी लीगल प्रोविजन कानूनी प्रावधान, डी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर प्रशासनिक प्रक्रिया, या ई इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा बीपीएससी को बनाया गया है ये आपको बतानी है, किसके द्वारा बीपीएससी को बनाया गया है ये आपको बतानी है। ए स्ने बहुत अच्छे, स्नेहा, आशा, प्रियंका, वेरी गुड, आंसर दीजिए। अगर जो YouTube पे देख रहे हैं, आपको भी अगर पोल्स वगैरह में आंसर देना है तो अनअकैडमी इंस्टॉल कर लीजिए और मेरे प्रोफाइल में विजिट कर लीजिए। आपको लाइव सेक्शन अभी लाइव चल रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड कोर्स को अनलॉक करने के लिए इस कोड का यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छे, स्नेहा, आशा, प्रियंका, जोरावर, सही आंसर जो है, सही आंसर लिख लीजिए, सही आंसर जो है वो आपका ए है। सही आंसर क्या है, ए है। भारत का संविधान के द्वारा बीपीएससी को बनाया गया है, क्रिएट किया गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं आज के इसके अध्यक्ष कौन है, करंट में अगर मैं बात करूं इसके चेयरमैन कौन है, बीपीएससी के चेयरमैन कौन है बताइए। गुड इवनिंग रानी शैलजा जी, बीपीएससी के चेयरमैन कौन है, नहीं पता तो कैपिटल एल लिखे, पता है तो जल्दी से आंसर करें। और सभी लोग अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखिएगा और उसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। बीपीएससी के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। बाकी लोग, सभी लोग रिप्लाई कीजिए, कम से कम जो आंसर नहीं आता तो कैपिटल एल लिखे। गुड इवनिंग जीतू जी, बीपीएससी के चेयरमैन ये आपको बताना है। सोपेंद्र चौधरी कह रहे, जोरावर जी के द्वारा भी सोपेंद्र आया है, याद नहीं आ रहा है सर। सुना है नाम इनका आप लोगों ने, आर के महाजन, नाम सुना है आप लोगों ने, इनका नाम सुना है। ये चेयरमैन है बीपीएससी के, ठीक है, नोट कर लीजिए, बीपीएससी के चेयरमैन ये है, ठीक है। चलिए, सुभेंद्र चौधरी थे, अब वो उनके जगह पे ये आ गया। अगला क्वेश्चन, द बीपीएससी केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम, अस्तित्व में कब आया था बीपीएससी, अस्तित्व में कब आया था, ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टेंस की बात कही गई है। ऑप्शंस आपके सामने, 1 अप्रैल 1949, बी 1 अप्रैल 1950, सी 2 अप्रैल 1953, डी 2 अप्रैल 1951, या ई इनमें से कोई नहीं। अस्तित्व पूछी गई है, देखिए किस तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। प्रशांत, स्नेहा, आशा, जोरावर, रानी सलजा, 10वें क्वेश्चन में बताइएगा, 10वें क्वेश्चन में, बहुत अच्छे अन्नू जी, राइट आंसर इज ए, अस्तित्व में कब आया था, ये आपका अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1949। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर एग्जिस्टेंस नहीं होता, अगर मैं बात करूँ इस्टैब्लिश्ड होता यानी स्थापना की बात करता मैं, तब आपका आंसर क्या होता। अगर यहाँ पे स्थापना होता, एस्टैब्लिश्ड होता, तब आपका आंसर क्या आता,
तब आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका, नोट कीजिए, आंसर जो होगा वो आपका 1115 6, 1115 6, लिख लीजिए, 1 नवंबर 1956 में ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी, सॉरी, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और अस्तित्व में ये 1 अप्रैल 1949 को आया था। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द बीपीएससी इनिशियली बिगेन इट्स फंक्शनिंग फॉर द स्टेट ऑफ बिहार विथ इट्स हेडक्वार्टर एट। बीपीएससी ने शुरुआत में कहाँ से अपने मुख्यालय के साथ बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने, ए रांची, बी पटना, सी गया, डी मुजफ्फरपुर, ई इनमें से कोई नहीं। कहाँ से शुरुआत की गई थी? आशा रानी, सैलजा, जोरावर, जीतू, प्रशांत, अंबिका। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिनका आंसर गलत हो रहा है, सही कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा आप लोग आंसर, लिखते चलिए, समझते चलिए और नोट करते हुए चलिए। यहाँ पे इन्होंने अपना मुख्यालय जो स्टार्ट किया था 1/4/1949 से, आपको पता है कि उस टाइम पे झारखंड भी बिहार में शामिल था, तो ये इसका कामकाज जो स्टार्ट किया गया था वो रांची से किया गया था, याद रखिएगा। ये रांची कब तक काम हुआ था यहाँ पे? 1 अप्रैल 1949 से कब तक रांची में काम हुआ था, लिख लीजिए, 1/3/1991 तक ये आपका रांची में काम हुआ। फिर 1/3/1991 को क्या हुआ, ये इसका ऑफिस आपका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर गया, शिफ्ट करके रांची से कहाँ लाया गया? रांची से लाया गया PNBE पटना। कहाँ लाया गया? PNBE पटना। पटना शिफ्ट किया गया 1991 में, और 1956 में इसको क्या किया गया, 1956 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका पटना है। डन, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिख लिया सभी लोगों ने, 1 अप्रैल 1949 से 1 मार्च 1951 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? रांची में था, ठीक है। राइट आंसर ए। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बीपीएससी? बीपीएससी के प्रथम चेयरमैन यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए राजनधारी सिन्हा, बी कृष्णकांत सहाय, सी भूपेंद्र सिंह, ई इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ध्यान से आप इस सारे क्वेश्चंस को कवर कीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे गए। आशा, प्रशांत, स्नेहा, जोरावर, अंबिका, बहुत अच्छे। राइट आंसर इसका है, राइट आंसर आपका है ए, राजनधारी सिन्हा जी पहले चेयरमैन थे, पहले आपके अध्यक्ष थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले अध्यक्ष थे राजनधारी सिन्हा। कब से कब तक ये अध्यक्ष के पद पे रहे हैं? कब से कब तक ये अध्यक्ष के पद पे रहे हैं बता सकते हैं? फर्स्ट चेयरमैन और करंट चेयरमैन हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट चेयरमैन और करंट चेयरमैन हमेशा आपको ध्यान रखना है। 1/4/1949 में बीपीएससी अस्तित्व में आया, तो जब उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? रांची में था। वहीं पे ये कहाँ थे? वहीं पे ये पहले अध्यक्ष के तौर पे वहाँ पे कार्यरत थे, है ना, वर्किंग थे राजनधारी सिन्हा। और ये वर्किंग कब तक थे? 31/3/1953, लिख लीजिए, 31/3/1953। गुड इवनिंग कुमारी, प्रियंका जी, बहुत अच्छे। प्रशांत, 1949 से 1953 तक थे, और ये इनके बाद ये आपके पहले थे, ये आपके पहले थे, है ना। और इसके बाद फिर आपके आ गए थे अमरनाथ झा, सुना होगा नाम आप लोगों ने, अमरनाथ झा आ गए थे सेकंड नंबर पे 1953 में, ठीक है। जब बिहार की स्थापना, जब बिहार बीपीएससी में, बीपीएससी की स्थापना बिहार में की गई थी, पटना में की गई थी। डन, ये राजनधारी सिन्हा जो थे वो एक इंडियन पोएट थे, कवि थे, लिख लीजिए, कौन थे ये? इंडियन पोएट थे, कवि थे, हो गया, नोट किया विथ डेट आप लोगों ने नोट किया। आगे बढ़े, क्लियर? प्रियंका जी नोट किया आपने, यूट्यूब पे क्लियर है जो लोग देख रहे हैं? कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और यूट्यूब वाले, अगर आपको बीपीएस, अगर आपको लाइव इसमें देखना हो अनअकैडमी में, तो अनअकैडमी में भी आप इंस्टॉल करके मेरे प्रोफाइल में आइएगा, मेरे प्रोफाइल में सर्च कीजिएगा प्लस एजुकेटर में विवेक कुमार को, और इस कोड का यूज़ कीजिएगा फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, ताकि आप सारे इस फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकें। गुड इवनिंग हर्षवर्धन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, कौन थे और कौन थे? नंदलाल अश्वालिया उंतवालिया, बी डीपी वाधवा, सी विमल चांद बसक, डी एडवर्ड मेनार्ड, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। पहले कौन थे ये आपको बताना है। पहले मुख्य न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हेलो प्रवेश जी, गुड इवनिंग। आशा, प्रियंका, हर्षवर्धन, स्नेहा, जीतू, जोरावर, रानी सलजा। बहुत अच्छे। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका डी, सर एडवर्ड मेनार्ड। ठीक है, ये आपके पहले आपके पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। किस वर्ष में थे ये बता सकते हैं? पीडीएफ अनअकैडमी से डाउनलोड कर लीजिएगा प्रवेश जी, मेरे प्रोफाइल में जा करके, है ना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। पीपीएससी कैटेगरी में प्लस एजुकेटर में मेरे प्रोफाइल को सर्च कीजिएगा, विवेक कुमार के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे फ्री क्लासेस के आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अनलॉक करने के लिए कोड का यूज़ कीजिएगा, ये लिख लीजिए कोड। और मंथ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सारे एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो एडमिशन लेना हो जिन्हें, वो इस कोड का यूज़ कर लीजिएगा ताकि आप एडमिशन लेकर के सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो पहले जो चीफ जस्टिस थे वो मैनार्ड थे। किस वर्ष बने थे? 1916 से 17। बाकी लोग, एक आंसर आया स्नेहा जी के द्वारा, 1916 से 17। बहुत अच्छे, 1916 से 17 थे। डेट लिख लीजिएगा 1/3/1916 से ये लेकर के बने थे 30/10/1917, 30/10/1917 तक ये आपके रहे थे पहले मुख्य न्यायालय, है ना। अगर मैं बात करूं करंट में, आज के डेट में कौन है, अगर मैं बात करूं आज के डेट में कौन है बताइए, आज के डेट में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गुड इवनिंग रीमा जी, आज के डेट में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है पता होना चाहिए। देखिए, हमेशा फर्स्ट आपको याद होना चाहिए और करंट आपको याद होना चाहिए, बाकी आपको याद ना हो तो चलेगा। पहला और करंट आपको पता होना चाहिए अभी कौन है। तो अभी आपके हैं, लिख लीजिए, बहुत अच्छे, संजय कैरोल, संजय कैरोल है मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के। लिख लीजिए कब बने थे, 11/11/2019, कब बने थे, 11/11/2019, और अभी तक करंट में बने हुए हैं, है ना, लिख लीजिए। ठीक है, करंट का और फर्स्ट का आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। हाँ, संजय कैरोल, लिख लीजिए सभी लोग, लिख लीजिए, संजय कैरोल आज के डेट में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, लिखिए 9/02/1916, 9/02/1916 लिख लीजिए, 9 फरवरी 1916 को स्थापना की गई थी और 1 मार्च को आपके सर एडवर्ड मैनेट जी वहां के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, गुड इवनिंग निशांत जी, क्लियर हो रहा है रीमा जी, नोट कर रहे हैं आप लोग, नोट किया आप लोगों ने, क्या क्या बताया मैंने, पहले चीफ जस्टिस कौन है, सर एडवर्ड मैनर्ड, कब से कब तक थे, 1916 से 1917, आज के डेट में कौन है, संजय कैरोल है, कब बने थे, 11/11/2019 को बने थे, अभी तक है ना। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 9 फरवरी 1916 को की गई थी। ये सारी चीज ध्यान में रखिएगा, नोट करते हुए चलिए। ठीक है, सभी लोग, जो भी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग नोट करते हुए चलिएगा, ये सारी चीजें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, वो सारे क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। मैं हमेशा बोला हूँ पहला और करंट आपको हमेशा ध्यान में याद होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सर जेम्स सिफ्टन, बी सर मॉरिस गार्नियर हैरलेट, सी सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टेवर्ट, डी सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, ई इनमें से कोई नहीं। कौन
कौन आपके पहले आपके राज्यपाल थी बिहार के, वो आपको बताना। नेहा, प्रियंका, आशा, हर्षवर्धन, जोरावर, अंबिका। बहुत अच्छे। गुड इवनिंग स्नेहा जी। तो राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर आपका ए, सर जैन सिफ्टसन। सर मेरा फर्स्ट क्लास है और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, इसका तैयारी कैसे करें? जितना टेस्ट पेपर लगा सकते हैं लगाइए प्रवेश जी। तमाम टेस्ट पेपर मेरे प्रोफाइल में भरा हुआ है अनअकैडमी के, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, हर क्वेश्चंस को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक्स मत पढ़िए, खाली टेस्ट सीरीज लगाइए जितना ज़्यादा हो सके और कवर करते चलिए सारे टॉपिक्स को, है ना। मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ, तो उस सारे क्वेश्चंस को भी नोट करते चलिएगा जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सारे कोर्सेज को, सारे फ्री क्लासेस को आप अनलॉक कीजिए। यह 8वां अध्याय है, ये 8 पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके पहले 7th पार्ट डिस्कस कर दिए, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। अनलॉक करने के लिए इस कोड का यूज कीजिएगा, विवेक लाइव 10, आपकी सारी क्लासेस प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा सर जेम सिफ्टसन। ये कब थे, कब राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल किस वर्ष बने थे? सर जेम सिफ्टसन बिहार के राज्यपाल किस वर्ष थे? बहुत अच्छे, ये आपके थे 1/4/1936 से लेकर के 11/3/1937, लिख लीजिए 11/3/1937 तक ये आपके कार्यरत थे। आज के डेट में गवर्नर कौन है, आज के डेट में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है आज के डेट में, वो आपको बतानी है। आज के डेट में गवर्नर कौन है, आज के डेट में गवर्नर है फैगु चौहान, है ना। आज के डेट में गवर्नर कौन है, फैगु चौहान है। और इन ये उन्होंने ओथ कब लिया था, शपथ कब ली थी इन्होंने, कब ये बने थे, कब ये बने थे, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें। 29/7/2019 लिख लीजिए, 29 जुलाई 2019 को ये बने थे, ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए ये आपके पहले गवर्नर थे, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंफ्यूजिंग कर सकता है ना। आप पहले गवर्नर दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पहला गवर्नर आपका होगा जब बिहार अस्तित्व में आया, जब बिहार आजाद हुआ उस टाइम के पहले गवर्नर, कि जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम के पहले गवर्नर कौन थे, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे आपका अगला क्वेश्चन ऐसा ही है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो महादेव श्री राय, अन्य आर एल दिवाकर, जयराम दौलतराम, जाकिर हुसैन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये रहा पोल आपके सामने, देख सकते हैं किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। गुड इवनिंग दिव्या जी, कुमारी, प्रियंका, स्नेहा शर्मा, स्नेहा सिन्हा, आशा, हर्षवर्धन, रुचि, जोरावर, रीमा, जीतू, प्रशांत, अंबिका, रानी, सलजा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जयराम दास दौलतराम, ठीक है। ये आपके जब भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद आपके ये आपके पहले गवर्नर नियुक्त किए गए थे, कब लिख लीजिए 15/8/1947, उसी टाइम से ही 15/8/1947 से ही ये आपके कार्यरत थे और ये आपके 11/1/1948 तक रहे थे, लिख लीजिए 11 जनवरी 1948 तक, 1 साल तक के लिए ये राज्यपाल थे। गुड इवनिंग निवी जी, क्लियर है, नोट कर रहे हैं सभी लोग, नोट कर रहे हैं। राइट आंसर सी, जयराम दास दौलतराम ये आपके पहले थे और जेम्स स्टेफन पहले बिहार के राज्यपाल थे और करंट में आपके फेगु चौहान है जो कि 2019 में नियुक्त किए गए थे, ठीक है। 7वां का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इसका तो सभी आंसर दे देंगे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए कृष्ण सिंह जी, बी सहाय, सी विनोदानंद झा, डी दीप नारायण सिंह, ई इनमें से कोई नहीं। पहले मुख्यमंत्री के पद पे कौन थे ये आपको बतानी है, सारे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, नोट कीजिए। बहुत अच्छे, निवी, स्नेहा, रुचि, रीमा, आशा, प्रियंका, स्नेहा, हर्षवर्धन, रानी, जोरावर, अंबिका, जीतू, प्रशांत, कुमारी, प्रियंका। बहुत अच्छे, इन्होंने गलत कर दिया,
किन्होंने आंसर गलत किया है। तो राइट आंसर जो है वो राइट आंसर आपका कृष्ण सिंह जी है। ठीक है, कृष्ण सिंह जी पहले आपके मुख्यमंत्री के पद पे थे, किस वर्ष से किस वर्ष तक? हाँ, 5 महीने के लिए थे हर्षवर्धन जी, है ना। बिहार देखा जाए तो आजाद हुआ है 1948 को, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अंग्रेज भले ही भारत आजाद हो गया 1947 को, लेकिन बिहार 1948 को आजाद हुआ है। अंग्रेज 1948 में गए हैं बिहार के एरिया को छोड़ करके, रीजन क्योंकि वहीं से वो रूल करते थे, है ना, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके कब नियुक्त किए गए थे, कब नियुक्त किए गए थे? सिंह, कृष्ण सिंह, वो सच्चिदानंद सिन्हा है जिनके बारे में आप कह रहे हैं ना, वो सच्चिदानंद सिन्हा है, ये कृष्णा सिंह है। ठीक है, ये आपके नियुक्त कब हुए थे? 2/4/1946, 2/4/1946 से ये आपके बने थे 31/1/1961, लिख लीजिए 31 जनवरी 1961 तक ये आपके कार्यरत थे। किस पार्टी से बिलोंग करते थे ये, किस पार्टी से बिलोंग करते थे? 1887 नहीं होगा प्रियंका जी, 1887 समझ रही हैं, 1887 से 1961, है ना, तो 2/4/1946 में ये हुए थे, ये आपके कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, INC, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, INC कांग्रेस पार्टी से थे। आज के डेट में कौन है मुख्यमंत्री बिहार के, आज के डेट में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, आज के डेट में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बहुत अच्छे, कब नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री के पद पे, कब नियुक्त हुए हैं मुख्यमंत्री के पद पे, किस डेट को नियुक्त हुए हैं? डेट पता होना चाहिए, करंट सिचुएशन है, करंट करंट का करंट करंट न्यूज़ है ये आपका, पता होना चाहिए। 16 नवंबर को इन्होंने शपथ लिया था, याद रखिएगा। 10 नवंबर को इलेक्शंस का चुनाव आए थे, 14 को दिवाली था, दिवाली से 2 दिन के बाद इन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 14 को दिवाली, 16 को इन्होंने शपथ लिया था, इस तरह से याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिवाली के 2 दिन बाद नीतीश कुमार जी शपथ लिए थे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं नीतीश कुमार, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? JDU। बहुत अच्छे, ठीक है, क्लियर, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ बिहार वॉज फॉर्म्ड इन, बिहार का पहला मंत्रिमंडल कब, किस वर्ष में गठित किया गया था, गठन किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने 1946, 1947, 1948, 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपके सामने पोल, YouTube पे क्लियर हो रहा है सभी लोग को, नोट करते हुए रहिएगा सारी चीजें। प्रशांत, रीमा, कुमारी, प्रियंका, स्नेहा, आशा, हर्षवर्धन, जोरावर, अंबिका, स्नेहा, बहुत अच्छे। जिनका गलत हो रहा है हताश बिल्कुल नहीं होना, नोट करते चलिए, सीखते चलिए और रिवाइज करते रहिए, है ना। कब बना था? 1946 को। कौन कितने सदस्य थे ये जो मंत्रिमंडल बना था, इस मंत्रिमंडल में टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 2 सदस्य थे, बहुत अच्छे। कौन कौन थे 2 सदस्य, 2 सदस्य जो थे वो कौन कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, है ना, सिन्हा, और CM कृष्ण, कृष्ण जी की, है ना, कृष्णा जी। ये कौन थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी कौन थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी कौन थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी कौन थे बता सकते हैं? उस वक्त ये क्या थे, उस वक्त क्या थे CM, उस वक्त ये डिप्यूटी CM थे। डिप्यूटी CM के साथ साथ एक और पद इन्होंने संभाला हुआ था, वो कौन सा पद था? उप मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, है ना, लिख लीजिए। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ और क्या थे वो, और क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, लिख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री थे, लिख लीजिए, वित्त मंत्री थे। ठीक है, 2 मेंबर का सदस्य था ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह और कृष्ण सिन्हा जी। चलिए नेक्स्ट,
ऑल द मिनिस्टर्स वेयर एडमिनिस्टर्ड ओथ टू होम बाई होम ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी मंत्री होते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है उनको? ए गवर्नर, राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी वक्ता, डी उपाध्यक्ष उपसभापति, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है वो आपको बताना है। नीवी, रीमा, प्रियंका, रुचि, स्नेहा, आशा, प्रशांत, हर्षवर्धन, रानी, सहजा, खुरार। बहुत अच्छे, वेरी गुड। किन्नों ने गलत कर दिया आंसर? दोस्तों मित्रों, गार्जियन ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है? गार्जियन ऑफ स्टेट, उन्हीं के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है, यह बात ध्यान रखिएगा। गार्जियन कौन होते हैं? राज्य के गार्जियन आपके गवर्नर होते हैं, है ना, राज्यपाल होते हैं। और कंट्री के गार्जियन कौन होते हैं? राष्ट्र के गार्जियन जो होते हैं वो हमारे सभापति होते हैं, कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका गवर्नर होगा। गवर्नर के द्वारा सभी को शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। गवर्नर के बारे में तो आप ऑलरेडी आपको बता ही दिए, फगु चौहान आज के डेट में गवर्नर है। ठीक है, ये रहा लीडर बोर्ड, पहला पड़ाव लीडर बोर्ड आपके सामने। आशा 10, जोरावर 10, क्या बात है, स्नेहा 9, प्रशांत 7, अंबिका 7, हर्षवर्धन 6, रानी 6, प्रियंका 5/10, जीतू 5/10, रीमा 4/10। बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, और जो टॉप में है वो अपनी पोजीशन को बनाए रखने का प्रयास रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। काली रिवर इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? काली नदी किस जिले में पड़ती है ये आपको बतानी है। ए अररिया, बी बेगूसराय, सी कटिहार, डी दरभंगा, ई इनमें से कोई नहीं। ये रहा पोल आपके सामने, काली रिवर। निर्जला, आशा, स्नेहा, रानी, सैलजा। निर्जला, आशा, स्नेहा, रानी, सैलजा, अंबिका, अंजना, प्रशांत। बहुत अच्छे, अंजना जी पहली क्लास है क्या आपकी मेरे साथ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अररिया। अरर क्या? अररिया में आपकी काली रिवर है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कौन सी नदी अररिया से होकर के गुजरती है? अगर मैं आपसे पूछूं और कौन सी नदी अररिया डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है, अररिया जिला से होकर के गुजरती है, तो वो आपको बताना है। अच्छा, क्लियर हो रहा है ना अंजना जी? सारी चीज़ क्लियर हो रही है ना? नोट कर रहे हैं ना? जिनकी पहली क्लास है सारी चीज़ नोट करते हुए चलिएगा, अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखें, है ना, नोट करते हुए चलिएगा सारी चीज़ों को, है ना। कोसी नदी, बहुत अच्छे, कोसी नदी होकर के गुजरती है अररिया जिला से, है ना। सोन नदी नहीं होकर के गुजरती है, ना ही गंगा होती है। गुड इवनिंग जैक स्पैरो, मैं अररिया से हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात, तब तो आपको पता होगा कौन कौन से नदी होकर के गुजरती है। एक काली नदी हो गई, कोसी हो गई, और एक और नदी होती है, देख लीजिएगा वो कौन सी नदी होकर के गुजरती है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अररिया नदी से होकर के गुजरती है, नहीं ये वो नहीं है हर्षवर्धन जी, ये दूसरी है, स्टडी कीजिएगा इसके बारे में, काली रिवर के बारे में। अगला है इंपॉर्टेंट रिवर इन बेगूसराय, बेगूसराय से होकर के कौन सी नदी है जो बेगूसराय से होकर के गुजरती है? ऑप्शंस आपके सामने, ए कोसी, बी कमला, सी महानंदा, डी गंडक, या ई इनमें से कोई नहीं, है ना, ई इनमें से कोई नहीं, ये आपको बतानी है। तो 12, और ये रहा आपके सामने पोल, कौन सी नदी बेगूसराय से होकर के गुजरती है? कुछ लोग आप में से बेगूसराय से होंगे, आराम से आप लोग आंसर दे सकते हैं, बेगूसराय से कौन सी नदी होकर के गुजरती है? निवी, प्रियंका, स्नेहा, आशा, रुचि, हर्षवर्धन। कमला नदी, है ना, कमला नदी, है ना। और बेगूसराय में और कौन सी नदी होकर के गुजरती है कमला के अलावा? और कौन सी नदी होकर के गुजरती है?
दोस्तों मित्रों, अगर गंडक होता तो यह ऑप्शन सही नहीं होता प्रशांत, ये ऑप्शन सही हो जाता ना, फिर बी क्यों सही हुआ? गंगा। गंगा भी क्रॉस करती है बेगूसराय से, ठीक है, देखिएगा इसको मैप में, देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट है, कौन सा थर्मल पावर प्लांट है बता सकते हैं? थर्मल पावर प्लांट एक है बेगूसराय के आसपास, कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये थर्मल पावर प्लांट किस जगह पे स्थित है, तो ये आपका उस थर्मल प्लांट का नाम है बरौनी, सुना है आपने बरौनी है ना, कहाँ पे पड़ता है ये आपका NH31 पे पड़ता है, NH31 पे पड़ता है। इसके ऑनर कौन है इस कंपनी के बारे में सुना है आपने? BSEB, इस कंपनी के बारे में पढ़िएगा, ये कंपनी ऑनर है इसके, ठीक है, BSEB ऑनर है इसके, ठीक है। और दूसरी चीज, इसमें जो प्राइमरी फ्यूल लगता है बरौनी में, कौन सा जो आपका फ्यूल लगता है, वो कौन सा फ्यूल यूज होता है? प्राइमरी फ्यूल जो है वो कोयला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। NH31 BSEB इसके ऑनर है, बरौनी में थर्मल पावर है ना, है ना, बागमती, हाँ बागमती भी हो है, देख लीजिएगा। और कौन कौन से नदी, मैं तो दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन स्ट्राइक किया, मैंने पूछा गंगा भी होकर के गुजरती है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, गंगा भी होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थर्मल पावर स्टेशन कहलगांव, कहलगांव, कहलगांव में जो थर्मल पावर स्टेशन है वो किस जिला में पड़ता है, ये आपको बताना है। ए औरंगाबाद, बी भागलपुर, सी सहरसा, डी कटिहार, या इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपके सामने पोल, थर्मल पावर स्टेशन कहलगांव। निवी, प्रशांत, स्नेहा, प्रियंका, आशा, जैक स्पैरो, रुचि, हर्षवर्धन, जोरावर, स्नेहा, संगीता, जीतू, राधा, बहुत अच्छे, इनकी पहली क्लास है, क्लियर हो रहा है ना सारे क्वेश्चंस? 13वां का राइट आंसर जो होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सभी लोग आंसर दे सकते थे, खलगांव वाली जो थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका पड़ता है भागलपुर में, है ना, भागलपुर में। अगर मैं आपसे पूछूं भागलपुर जो आपका जिला है वो किन किन जिला से होकर के क्रॉस करता है, मतलब इसके पड़ोसी जिला कौन कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं पूछूं भागलपुर जो है, भागलपुर जिला को कौन कौन जिला टच करता है? मैप, मैप, मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मैप आपको याद रखना है दिमाग में, हर जिला को लेकर के आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो एक तो आया आंसर बहुत अच्छे, बांका, है ना, बांका इज द राइट आंसर। और बताइए, मुंगेर, मुंगेर भी आ गया, बहुत अच्छे। और कितना है, 6 जिला टच करता है ये, बता दिया आपको, हिंट दे दिया मैंने, 2 हो गए, 4 और नाम चाहिए। खगड़िया भी आ गया नाम, 3 हो गए, और 3 बताइए। खगड़िया, मधेपुरा, ये आप तभी बता पाएंगे जब आपके पास मैप याद होगा, है ना, मधेपुरा, है ना। जमुई नहीं टच करता शैलजा जी, ना ही लखीसराय टच करता है, आप कह सकते हैं कटिहार, है ना, कटिहार, बहुत अच्छे, कटिहार टच करता है। और एक और आपका बच गया, 5 हो गए, एक और बच रहा है, कौन सा बच रहा है, कौन सा बच रहा है? बांका, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया। मैप देखिए, मैप देखिए, मैप से आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से पार्ट को टच करता है। मैप एटलस दिया हुआ है मैंने आप लोग को, वहां से आपको क्लियर होगा, ना ही लखीसराय टच करता है ना, ये सारी चीज नहीं टच करता। देखिए मैप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिखा भागलपुर, भागलपुर एरिया को, इधर बांका, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा भी टच करता है, पूर्णिया भी टच करता है, कटिहार भी टच, 1 2 3 4 5 6, लखीसराय टच करता है क्या? नहीं, सहरसा नहीं करता टच, सहरसा नहीं टच करता है ना,
ये देख लीजिएगा, सहरसा नहीं टच करता है, ये आउटलाइन थोड़ा सा मधेपुरा हो गया, मुंगेर हो गया, हो तो गया है ना, ये तो क्लियर हो गया होगा, दिख रहा होगा आपको मैप में साफ में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सारे डिस्ट्रिक्ट को याद करना, नहीं याद मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आपके दिमाग में सारे डिस्ट्रिक्ट का मैप हो, है ना, आपके दिमाग में सारे डिस्ट्रिक्ट हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का पोजीशन किस जगह पे है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है, और ये आपको मैप पूरा ध्यान में रहना चाहिए आपके दिमाग में। गुड इवनिंग कुमारी प्रियंका जी, ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने, कर्मनाशा रिवर फ्लोज थ्रू, कर्मनाशा, देखिए ये अगर मैप में पता नहीं होगा आपको सारी चीज़ें कि कौन सी किस जगह पे स्थित है तो आप नहीं बता पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है बिहार इंडिया और वर्ल्ड का मैप तो आपको खरीद के रखना ही है, बिहार का मैप तो चिपका ही देना है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे, और हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पे है, और एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार ये नेपाल को टच नहीं करता, अभी 2 दिन पहले या फिर कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था है ना। तो कर्मनाशा रिवर कहाँ पे फ्लो करता है, कहाँ पे किस नदी पर है ये आपको बताना है, कर्मनाशा नदी कहाँ पर बहती है, बांका, बक्सर, नालंदा, सहरसा या फिर इनमें से कोई नहीं, ये रहा आपके सामने पोल। गुड इवनिंग पूजा जी, प्रियंका, जैक स्पैरो, आशा, स्नेहा, हर्षवर्धन, जोरावर, प्रशांत, सौम्या, स्नेहा, अंबिका, फर्स्ट वीक से आपका इको और ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के नोट्स आपको सारे प्रोवाइड करूँगा, और 27 तारीख के बाद मैं आपको रफ आइडिया दूंगा कि किस तरह से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है ना, मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगा स्पेशल क्लास में ही, वैसे ही हम लोग कवर कर, आप लोग को भी वैसे ही कवर करना है, 27 तारीख के बाद ही बताऊंगा, पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा और आपको फिर नोट्स में आपको पढ़ाऊंगा प्लस पे, ठीक है। तो ये आपका जो कर्मनाशा रिवर है ये आपका कहाँ से होकर के गुजरता है, ये आपका बक्सर से होकर के गुजरता है, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया कोड का यूज़ कर लीजिएगा विवेक लाइव 10, इस कोड का यूज़ करके एडमिशन ले लीजिएगा और मेरे सारे क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो प्लस में जो ऑलरेडी हैं जिन्होंने इनरोल नहीं किया है इस कोर्स को इनरोल कर लीजिएगा, ये तीनों लाइव कोर्सेज चल रहे हैं, इसके बाद मेरी क्लास रात 9 बजे होगी, वहाँ पे भी हम लोग मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई एम फ्रॉम बक्सर, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो तब तो आपका आंसर सही हुआ होगा सौम्या जी, इस कोर्स को इनरोल कर लीजिएगा ताकि आपके पास मैसेज पहुँच जाए, रात 9 बजे भी मेरी क्लास है तो उसको भी हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे, और बिहार स्पेशल की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है मॉर्निंग में 10:30 बजे, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा, 13 हो गया ये, 14 नंबर बक्सर भी हो गया ना, 14 का बी है ना, बक्सर में और कौन सी आपकी नदी होकर के गुजरती है, चलिए ये बताइए बक्सर से और कौन सी नदी होकर के गुजरती है, सौम्या जी तो बक्सर से हैं बता सकती है आंसर, बताइए कर्मनाशा के अलावा और कौन सी नदी होकर के गुजरती है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप नदी के बारे में रिवर मैप देखेंगे, रिवर मैप आपको पता होना चाहिए, गंगा बिहार में इंटर कर रही है तो किस जगह से इंटर कर रही है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं है ना, तो ये आपका यहाँ पे गंगा आंसर होगा, गंगा भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, और गंगा के अलावा भी कर्मनाशा तो है ही, कर्मनाशा आपका राइट आंसर है, ये दो नदी बक्सर से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नॉन एज नालंदा, किस जिले को नालंदा के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शंस आपके सामने, मधेपुरा, बी मधुबनी, सी खगड़िया, डी बिहार शरीफ, ई इनमें से कोई नहीं, ये तो बहुत सिंपल था, आसानी से आप लोग आंसर दे सकते थे, प्रियंका जी पहले का आंसर बी था, डी नहीं होगा, ठीक है। फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए कोड आपके सामने लिखा हुआ है, मेरे प्रोफाइल में जा करके फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लीजिएगा, जो इसके पहले ये 8वां अध्याय है, इसके पहले जो भी क्लासेस आपके मिस हुई है 7th पार्ट उसको सही कर लीजिएगा, प्रशांत, निवी, प्रियंका, निशांत, कुमारी प्रियंका, हर्षवर्धन, आशा, स्नेहा, जोरावर, रानी, शैलजा, जीतू, रुचि, सेक्सपैरो, राधा, बहुत अच्छे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था,
है ना। तो डी इज द राइट आंसर, बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ। किन किन लोगों का सेंटर बिहार शरीफ पड़ा है इस बार, किन किन लोगों का सेंटर बिहार शरीफ पड़ा है, किसी का है यहाँ पे बिहार शरीफ? इस बार बहुत से कंप्लेंट आ रही है सेंटर को लेकर के कि सेंटर सही से डिसाइड नहीं हुआ है ना। बहुत से फीमेल लोगों को नियर बाई होम सेंटर नहीं दिया है, जो कि थोड़ा सा है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, सही नहीं हुआ वैसे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज बेतिया डिस्ट्रिक्ट। बेतिया जिला किस जिले को बेतिया जिले के रूप में भी जाना जाता है ना? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, नालंदा, नवादा, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। हाँ, इस बार का सेंटर थोड़ा सा जनरली नियर बाई होम टाउन ही होता है, लेकिन पता नहीं इस बार क्यों ऐसा किया है। बहुत से कंप्लेंट भी आ रही है लर्नर्स लोगों की इसी के रिगार्डिंग। नीवी, प्रियंका, आशा, निर्जला, प्रशांत, स्नेहा, हर्षवर्धन, रुचि, जैक स्पैरो, डोरावर, निशांत, अंबिका। बहुत अच्छे। स्टेटस क्या है? बहुत अच्छे। 16, 14, 14, 12, 11, 11, 10, 8, 8, 7। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका वेस्ट चंपारण होगा। वेस्ट चंपारण में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको बतानी है। वेस्ट चंपारण में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको बतानी है। चोरावा जी का भी सेंटर दूर है, मेरा सेंटर बेतिया है सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। होम टाउन नियर बाई है ना निशान जी? वेस्ट चंपारण में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? अच्छा, मुजफ्फरपुर। लिख लीजिए वाल्मीकि। आज मॉर्निंग वाले क्लास में भी मैंने इसके बारे में बताया था, है ना। मैं मॉर्निंग वाले क्लास में भी मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, वाल्मीकि लिख लीजिए, वाल्मीकि आपकी। और ये कहाँ पे है? भीम बांध। आज मॉर्निंग वाले क्लास में बताया मैंने, ये किस जगह पे स्थित है, ये किस जगह पे स्थित है, बताइए जल्दी। गुड इवनिंग कुमार सर्वेश जी। सर 10:30 में आज, हाँ आज क्लास हुई थी रुचि जी, और कल भी होगी 10:30 बजे क्लास होगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है मॉर्निंग की क्लास, ज्वाइन कर लीजिएगा कल मॉर्निंग के पहले, और उन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल का एमसीक्यू मैं कवर कराता हूँ मॉर्निंग में 10:30 बजे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डिस्कस, आज 65th का मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया था, जितने भी 65th में आपके बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज मॉर्निंग में कवर कराए थे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, इस कोर्स को इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल से बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, और बहुत से लोग बिहार स्पेशल वाला टॉपिक नहीं पढ़े हुए होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जा करके कवर कर लीजिएगा। पहली क्लास हो गई है आज मॉर्निंग 10:30 बजे, इसको देख लीजिएगा और इसको इनरोल भी कर लीजिएगा। प्लस साइन होगा, इसको इनरोल कर लीजिएगा ताकि आपके पास मैसेज पहुंच जाए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मुंगेर लिख लीजिए, मुंगेर इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं रुचि जी, कल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विक्रमशिला सेतु इज ऑन रिवर गंगा एट। विक्रमशिला सेतु गंगा रिवर पे कहाँ पर स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है। मोकामा, भागलपुर, पटना, सोनपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। निवी, स्नेहा, रुचि, आशा, कुमार, सर्वेश, ईशान, जोरावर, हर्षवर्धन, जैक स्पैरो, रानी सलजा, श्रेया पाठक। बहुत अच्छे। राइट आंसर जो है, राइट आंसर आपका भागलपुर है ना। भागलपुर, भागलपुर पे ये जो विक्रमशिला सेतु है वो किस नदी पे बना है? विक्रमशिला सेतु जो है वो किस नदी पे बना हुआ है? अच्छा, यहाँ तो लिखा हुआ है ही गंगा नदी पे ही बना हुआ है। ठीक है,
ये तो लिखा हुआ ही है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन जो है इसका कंस्ट्रक्शन, ये जो विक्रमशिला सेतु था ये ओपन कब हुआ था, वर्किंग कब हुआ था, पब्लिकली ओपन कब हुआ था, किस वर्ष को हुआ था, ये आपको बताना है। ओपन कब हुआ था विक्रमशिला सेतु, गंगा नदी तो यहीं पे लिखा हुआ है, 2001 लिख लीजिए, 2001 में ये ओपन हुआ था पब्लिकली। कितना डिस्टेंस है इसका, इसका डिस्टेंस कितना है, विक्रमशिला सेतु का डिस्टेंस कितना है, अगर मैं लेंथ की बात पूछूं, लंबाई कितनी है इस सेतु की, लंबाई कितनी है इस सेतु की, वो आपको बतानी है। बहुत अच्छे, 4700 मीटर लिख लीजिए, 4700 मीटर दिखा, ये देखिए 2001 में ओपन हुआ था और ये देख सकते हैं 4700 मीटर का है, 4.5 किलोमीटर के हिसाब से, 4.5 किलोमीटर के भी ऊपर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। भागलपुर पे स्थित है, गंगा नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन वाज सेटअप इन, पहला टेलीविजन जो सेटअप हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, है ना, नहीं कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है, कहाँ पे हुआ था, ए गया, बी दरभंगा, सी पटना, डी हाजीपुर। बरारी घाट वाटरवे, गंगा नदी पर बरारी घाट जलमार्ग किसके पास में है, मतलब किसके नियर बाई में, ये आपको बताना है, पटना, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं, किसके पास में पड़ता है बरारी घाट जलमार्ग, पोल आपके सामने, जैक स्पैरो, आशा, बरारी घाट जलमार्ग, प्रगति नंदा, बहुत अच्छे, रानी सैलजा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 20 मार्क्स आशा, कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा, 16, जोरावर 16, 13, 13, 12, 11, 11, 10, 9, ये टॉप 10 है जो आपके सामने है। तो राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर भागलपुर होगा। किस नेशनल वाटरवे पे पड़ता है ये, कौन सा नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है ये कनेक्ट करता है भागलपुर को, राष्ट्रीय जलमार्ग, नहीं पता, NW1, नेशनल वाटरवे वन, नेशनल वाटरवे वन आपका कनेक्ट करता है भागलपुर टू, ये सॉरी अलाहाबाद, अलाहाबाद से हल्दिया को कनेक्ट करता है, और बीच में आपका ये NH1 आपका स्टार्ट होता है प्रयागराज से, खत्म होता है हल्दिया में, और बीच में आपका भागलपुर पड़ता है, याद रखिएगा नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ठीक है। ये देखिए दिखा, ये हल्दिया वाला सेशन, हल्दिया दिखा आप लोग को, ये आपका हल्दिया वाला सेशन है, यहाँ से कनेक्ट होते ये आपका भागलपुर होते हुए, यहाँ पे भागलपुर है, भागलपुर होते हुए ये आपका कहाँ जाता है, अलाहाबाद में जाता है, अलाहाबाद के गंगा में मिलता है, दिखा मैप सभी लोग को, क्लियर है, क्लियर दिख रहा है मैप, मैप दिख रहा है अलाहाबाद, ये NW1 है, कौन सा है, NW1 है ये, है ना, NW1 यहाँ पे भागलपुर में ये आपका कनेक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पे हल्दिया आप देख पा रहे हैं, हल्दिया में ये आकर बे ऑफ बंगाल में आपका मिल जाता है, ठीक है। कैसा लगा सेशन आप लोग को, फॉलो करना नहीं भूलिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया एडमिशन ले लीजिएगा इस कोड से, विवेक लाइव 10 से, और जनवरी से हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में रात 9 बजे, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, और मेरी स्पेशल क्लास इसी टाइम पे होती है, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और जिनको एडमिशन लेना है इस कोड का यूज़ कर लीजिएगा, इसके पहले 7 लेशन और कवर किए हैं, उसको जो लोग देखना चाहते हैं उसको देख लीजिएगा, और जो YouTube पे देख रहे हैं उन सारे सेशंस को अनलॉक करने के लिए कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इस कोड का यूज़ कर लीजिएगा, अनलॉक कर लीजिएगा, ठीक है। माई डाउट सर क्या कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल, थैंक यू जैक स्पैरो जी, थैंक यू एवरीवन, बताइए निशान जी क्या कह रहे हैं।
क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन पूछा है क्या आपने? अच्छा सर, बिहार बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का क्लास। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह को लेकर के मैं करता हूँ उसकी क्लास। ठीक, सोचता हूँ और करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास रात 9 बजे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।